कैसे हैं आप लोग सब? ठीक ठाक? लॉकडाउन की वजह से कोई क्लास नहीं हो पा रहे हैं, तो लॉकडाउन से पहले पहले हम लोग एनिमल हॉर्मोन शुरू किए थे, और एनिमल हॉर्मोन में हम लोग गोनाड्स पढ़ लिए थे, है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे पंकरियाज। अच्छा, आप लोग पहले अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्या करिएगा, अच्छे से कॉपी करिएगा, ठीक है। संग संग कॉपी और सुनिएगा, मतलब दोनों में से कोई काम नहीं है, बार बार ये करना होता है। तो पहले अच्छे से सुन लीजिए, ताकि दोबारा जब आप कॉपी करने के लिए सुनिएगा तो देखिएगा आपको याद भी हो जाए, ठीक है। मकसद यही है कि आपका टॉपिक वगैरह अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए हम शुरू करेंगे पंकरियास। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? लबलबा की गिल्टी, है ना, पंकैरेटिक ग्लैंड। अच्छा, हम लोग को पता है ना कि पंकैरेटिक ग्लैंड को हम लोग मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पंकेयाज जो है वो बैक वक्त या एट द सेम टाइम क्या करता है, हार्मोन भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है। हार्मोन कौन सा बनाता है हम लोग पढ़े हैं, हम जानते हैं इंसुलिन हार्मोन, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन जो पंकेयाज बनाता है वो क्या करता है, ठीक है, क्या क्या काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और याद रखेंगे कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो लार्जेस्ट कौन होगा? थायरॉइड, थोड़ी के बाद पढ़ेंगे थायरॉइड ग्लैंड। तो याद रखेंगे पंकरियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब थायरॉइड ग्लैंड के बाद कौन बड़ा है हम लोगों का? पंकरियाज, ठीक है, इतना याद समझ में। अच्छा, अगर हम लोग देखेंगे पंकरियास जो है वो एक कैसा ऑर्गेन है? एक लीफ लाइक ऑर्गेन है। पंकरियास कैसा देखने में है? लीफ लाइक ऑर्गेन, मतलब पत्तियों के जैसा दिखने में लगता है। तो देखो स्टमक ये क्या है, अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो ये देखिए स्टमक का डायग्राम है, जो भी बुक में भी है स्टमक। अच्छा, ये क्या है? ये है ओएसोफेगस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अच्छा, अब कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा विंड पाइप से, ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप, ये हम क्या बोलते हैं, कोई सा फेगस डिजाइन के, ठीक है। और स्टमक और ये वाला पार्ट जो एंड पार्ट ऑफ स्टमक को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूडेनम। तो याद रखेंगे कि स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में कुछ खाली जगह है, उस खाली जगह में एक पत्ती नुमा मतलब लीफ लाइक ऑर्गेन पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं पंकरियाज। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, यही हम लोगों का है पंकरियाज। दिमाग में कुछ बच गया सर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए दरअसल ये पंकरियाज जो है ये लीफ लाइक ऑर्गेन का दो ही पार्ट है, एक ये डक्ट जो एक लंबा सा एक डक्ट नली चला जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पंकरियाटिक। और भी ऑल नो हम लोग सबको पता है कि ऐसा कोई भी हिस्सा या ग्लैंड जिसमें डक होगा वो कैसा ग्लैंड होता है, वो होता है एक्सोक्राइन, कैसा काम करेगा। तो मतलब पंकरियास का ये जो पंकरियाटिक डक है वो कैसा काम करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा, ठीक है। और दूसरा जो ये पार्ट है ये सेलुलर पार्ट, ये पूरा ये वाला ये जो पूरा सेलुलर पार्ट है ये वाला, मतलब ये पंकैरेटिक डक को छोड़ करके ये जो सेलुलर पार्ट है, इस सेलुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और याद रखिए यही वो पार्ट है पंकरियास का जो क्या करता है, हार्मोन बनाता है, बहुत सारा हार्मोन जैसे इंसुलिन है ना, ग्लूकागोन जो क्या करता है, उसको ऑपोजिट काम करता है, वो भी लोग देखेंगे। तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कैसा काम करता है, क्योंकि हार्मोन बना रहा है तो कैसा काम कर रहा है, वो एंडोक्राइन के जैसा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया वो, तो अब यहां से ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में देता है कि ये तो पूरा पंकरियास है, ये पूरा लीफ लाइक ऑर्गेन लीफ लाइक, तो बताएंगे इसका कौन सा पार्ट एंडोक्राइन जैसा काम करता है। तो याद रखेंगे पूरा पंकरियास नहीं बल्कि पंकरियास का आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कैसा काम करता है, एंडोक्राइन, ठीक है। तो एंडोक्राइन है जाहिर सी बात है हार्मोन बनाएगा। तो याद रखिएगा ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को अगर हम लोग देखें
तो देखेंगे इसमें बहुत सारा सेल पाया जाता है, बहुत सारा, तो हम लोग सबको नहीं पढ़ना है, हम लोग को तीन सेल के बारे में पढ़ना है। एक है अल्फा सेल, ठीक है, दूसरा है बीटा सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई बीटा सेल इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज देखिए अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। क्या नाम? ग्लूकागॉन। और बीटा सेल से निकलता है हम लोगों का हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम? इंसुलिन। ठीक है, याद है, इसी को हमको डिटेल से पढ़ना है। एग्जाम में कई बार पूछता है कि पंकरियास कौन सा हार्मोन बनाता है या इंसुलिन हार्मोन कौन से ग्लैंड से निकलता है? पंकरियास। कौन सा पार्ट से? एडेनोग्लैंड। कौन सा सेल से? बीटा सेल से। क्लियर? चलिए, अच्छा थर्ड एक और याद रखेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा सेल। ये शेप कैसा होता है? डेल्टा का, है ना, डेल्टा सेल। याद रखेंगे इससे भी एक हार्मोन निकलता है, इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पता भी नहीं चल रहा। ये जो एक ऐसा हार्मोन है जो पोस्टुलेट हार्मोन है, ठीक है, इसकी वजह से हम लोग तो ये दोनों के बारे में जानना है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन से क्या काम करता है, और हम लोग सिलेबस इसको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इसको अच्छे से पहले कॉपी करिए, ठीक है, उसके बाद हम इंसुलिन के बारे में, ठीक है, इसको कॉपी कर लिए। अच्छा चलिए, वो वाला समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है वहां तक। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग सिलेबस में इंसुलिन को पढ़ना है, इंसुलिन हार्मोन बॉडी में क्या करता है। देखिए इंसुलिन हार्मोन अक्सर हम लोग सुनते हैं कि किसी को डायबिटीज हो गया, अक्सर सुनते हैं जो लोग एज हो जाता है, एंड डायबिटीज, डायबिटीज है जिसको आम जबान में क्या बोलते हैं, शुगर, है ना, उन लोगों को क्या कहते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। तो इंसुलिन, उसी इंसुलिन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि इंसुलिन कौन सा हम लोग बॉडी का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट बनाता है? पंकरियास। पंकरियास से ही इंसुलिन निकलता है, बीटा सेल से और आइलेट ऑफ लैंगर। चूंकि इंसुलिन शुगर से बचाता है, है ना, इसीलिए मैंने डायबिटीज को रोकता है, इसीलिए इंसुलिन को याद रखेंगे एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि जिंक के अंदर एक मेटल होता है, जैसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि थायरोक्सिन के अंदर आयोडीन नाम का मेटल एलिमेंट होता है, ठीक है। इसी तरीका से पंकरियास से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन में भी एक मेटल होता है जिंक, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इंसुलिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, आंसर क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है, क्लियर हो जाएगा बुक से, आप लोगों को बुक भी पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड का देख लिया कॉपी कर लिया, बिल्कुल नहीं, बुक को भी पढ़ना है। अगर कोई फंक्शन कुछ क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करोगे, अगर क्लासेस शुरू होगा तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग अभी कल कार्डिया क्लियर करेंगे। पंकरियास का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि पंकरियास जो है, पंकरियास से निकलने वाला हार्मोन जो इंसुलिन है वो क्या करता है, वो हम लोगों का सेल के अंदर और टिश्यू के अंदर ग्लूकोज का जो एंटरिंग है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है ना, जज्ब करने का जो सलाहियत है वो बढ़ा देता है, ठीक है, मतलब तेजी से जो है फलियों के अंदर, टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज जो है इंटर करेगा, ठीक है, ये करता है, जिससे क्या होगा, हमको बॉडी को एनर्जी मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि इट कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन को पढ़े ना, कि जब भी फूड ज्यादा हो जाता है तो एनिमल बॉडी क्या करते हैं, एक्सेस फूड को ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं, और प्लांट किसमें करते हैं, स्टार्च में, याद रहे। अच्छा तो क्या बताया कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है ज्यादा होना तो ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है इंसुलिन, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। यही ग्लाइकोजन क्या है, हम लोग का स्टोर फूड है, जो हम लोग कहाँ रहता है, लीवर में, है ना, जब लोग खाना वगैरह नहीं खाते, जैसे भी रमजान में हम लोग कुछ नहीं खाएंगे तो हम लोग मर थोड़ी जाएंगे, यही हम लोगों का जो ग्लाइकोजन है, जो स्टोर फूड है, वो फिर से टूटेगा ग्लूकोज में और हम लोग को बॉडी को एनर्जी देगा, ठीक है, याद रहेगा। इंसुलिन क्या करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा, क्लियर। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रहेगा हम लोग का छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अतड़ी जो है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग पता है ना कि फूड डाइजेशन के बाद कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में, फिर वहां से ब्लड के जरिए बॉडी के पूरे सेल टिश्यू में, तो ये जो इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करेगा, इंटर करेगा ग्लूकोज इंटेस्टाइन के अंदर, इसका भी रेट कौन बढ़ाता है, इंसुलिन, क्लियर हो रहा, इतना आवश्यक में। उसके बाद हम लोगों का पूछता है कि इंसुलिन का अबनॉर्मलिटी क्या है,
ठीक है, मतलब अगर इंसुलिन ज्यादा बॉडी में सिक्रीट हो गया तो क्या होगा, और अगर कम हो गया तो क्या होगा। तो देखो एबनॉर्मलिटी में हम लोग दो तरह का एबनॉर्मलिटी देखेंगे, एक देखेंगे हम लोग हाइपर, अच्छे से सुनिए, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन अगर ज्यादा बॉडी में बन गया तो क्या होगा, ज्यादा, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन का काम क्या है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर ज्यादा इंसुलिन बन गया तो क्या होगा, तेजी से जो है ब्लड का ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज का कमी आ जाएगा। तो मतलब हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन से कॉज क्या होगा हम लोगों बॉडी में, कि ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाएगा। कम हो जाने को क्या बताया, हाइपो, है ना, इसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, हाइपो ग्लाइसेमिया। याद रहेगा एग्जाम में पूछता है कि हाइपोग्लाइसेमिया कब होगा, याद रखना इंसुलिन हाइपर तो डिजीज क्या हो जाएगा, हाइपो। इसका उल्टा, अगर हाइपो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हो गया, मतलब अगर बॉडी में इंसुलिन अगर कम बन गया, देखिए इंसुलिन अगर ज्यादा बन रहा था तो तेजी से ग्लूकोज क्या हो रहा था, अब्जॉर्ब हो रहा था, और बॉडी से बात तेजी से अब्जॉर्ब होगा तो बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट तो कम हो जाएगा, कम होने को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब शुगर। तो बॉडी में क्या होगा, शुगर कमी आ जाएगी। किस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी ऐसे ऐसे वीक होगा, मसल्स वगैरह ऐसे ऐसे टूटेगा, बॉडी ऐसे ऐसे। उल्टा, इसका पूरा उल्टा हाइपोसिक्रीशन, अगर इंसुलिन बॉडी में कम बन जाए, मतलब याद रखना डेफिशिएंसी अगर हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो गया तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इंसुलिन कम बन रहा है तो बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो अब्जॉर्ब तो नहीं होगा, एज अ रिजल्ट ब्लड में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो यही साधारण सी बात है, जब ब्लड में जब अमाउंट ऑफ शुगर नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा, उसी हालत को, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज। ओके, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपो हो रहा है तो ब्लड में, बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपर ग्लाइसेमिया, मतलब शुगर का अमाउंट हाई हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकली, डायबिटीज। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम लोग बोलते रहते हैं डायबिटीज डायबिटीज, एक्चुअली वो शुगर डायबिटीज को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज मेलिटस। अभी थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे एक और डायबिटीज के बारे में, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस है। याद रखेंगे कि डायबिटीज मेलिटस और शुगर डायबिटीज एक ही चीज, क्लियर हो गया, ये वाली बात है, ख्याल रहेगा, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा इसके अलावा, अच्छा देखिए इतना क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई हम लोगों को। देखिए उसको कॉपी करिए आप लोग, देखिए कितना क्लियर हो गया। अच्छा अब देखिए इसी, अब समझ में आ गया, एक सवाल हम लोग का यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है कि वाई इंसुलिन हार्मोन इज नोन एज एंटी डायबिटिक, बिकॉज इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड इनटू ग्लाइकोजन, एंड एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, डिक्रीजेस इन ब्लड, तो क्या होगा, वो शुगर का बीमारी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसको एंटी डायबिटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ से एक बार एक सवाल पूछता है जो हम बताने चले आपको, कि Why insulin cannot regulate sugar level in blood in the beach? Explain. ये एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है कि
इंसुलिन अकेला ब्लड में शुगर लेवल को, व्हाई इंसुलिन कैन नॉट रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड इंडिविजुअली, एक्सप्लेन, मतलब अकेला इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को जो है रेगुलेट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था ना कि पंक्रियास का बीटा सेल से इंसुलिन नाम का हार्मोन पैदा हो रहा है और अल्फा सेल से कौन सा निकल रहा है, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन क्या करता है यहाँ पे समझना पड़ेगा, देखिए अच्छे समझिए इस कॉन्सेप्ट, फिर उसको एक्सप्लेन नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी देखिए, व्हेन ग्लूकोज अमाउंट बिकम्स एक्सेस, मतलब जब ग्लूकोज का अमाउंट एक्सेस हो जाता है, ठीक है ना, एक्सेस इन ब्लड, तो होता है क्या है, तो याद रखेंगे जब भी एक्सेस ग्लूकोज होगा, एक्सेस ग्लूकोज लेवल होगा, उसी वक्त इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, उस एक्सेस ग्लूकोज लेवल को किसमें कन्वर्ट करेगा, भी बताया था ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, इसी प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोजेनोसिस। याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ा था हम लोग, सिस का मतलब ही होता बनना, यहाँ पे कौन बन रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या बन जा रहा है, ग्लाइकोजेन, तो ग्लाइकोजेन देखिए ग्लाइकोजेन बन रहा है इसमें सिस, क्या रहेगा ग्लाइकोजेनोसिस, मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजेन इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ये सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एक करके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये सारा इवेंट होगा कहां, ये सारा इवेंट होगा याद रखेंगे कहां पर, लीवर में, एग्जाम में पूछता है कि ग्लाइकोजेनोसिस क्या है, तो आप लिख लेंगे कहां पर होता है, लीवर में, ठीक है, कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, इंसुलिन, ठीक है, ग्लाइकोजेन कहां पर स्टोर होता है, लीवर में, सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, इंसुलिन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इट कन्वर्ट्स एक्सेस एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजेन, लेकिन इसका ऑन द अदर हैंड दूसरा केस, व्हेन व्हेन ग्लूकोज becomes, the glucose amount becomes low in blood, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका पूरा उल्टा होगा, क्या होता है, ये जो लीवर में जो हम लोग ग्लाइकोजन को जो स्टोर किए थे ना, ये क्या होगा, ये टूटेगा, ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, किसमें, ग्लूकोज, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा, ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में, यहाँ पर एक हार्मोन काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे इंसुलिन काम कर रहा था, यहाँ पर काम करेगा ग्लूकागॉन, क्या काम करेगा, ग्लूकागॉन, ये आप समझ में आ गया, और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसीलिए टूटने को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइसिस, हाइड्रोलाइसिस पढ़े ना हम, ठीक है ना, या फिर फोटोलाइसिस पढ़े ना हम, लाइसिस का मतलब होता टूटना, तो यहां पे टूट कौन रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोसेस का, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइकोजेनोसिस एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, क्लियर है, ये प्रोसेस भी कहां हो रहा है, याद रखेंगे लीवर, इतना क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ, मतलब अब देखिए इसको हम लोग सिंपल से लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे कि इंसुलिन कैन नॉट रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड इंडिविजुअली बिकॉज व्हेनेवर देयर इज एन एक्सेस ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इंसुलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पंक्रियास टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लाइकोजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनोसिस, ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन लीवर। On the other hand, whenever there is a low amount of glucose in blood,
देन ग्लूकागॉन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पंक्रियाज, ठीक है, टू ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है, दिस प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड इट ऑल्सो टेक प्लेस इन लीवर. तो दिस इज हाउ इंसुलिन कैन नॉट, बिकॉज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन बोथ दोनों मिलकर क्या कर रहा है, शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है. इतना क्लियर हो गया. अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव दे देगा कि नेम द एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन. एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, जो ऑपोजिट काम कर रहा है, दुश्मन. तो इंसुलिन का उल्टा काम कौन कर रहा है, ग्लूकागॉन. याद रखना ये दोनों एक दूसरा क्या करता है, उल्टा काम करता है, उल्टा. याद रहेगा, इसीलिए जो ऑपोजिट भी हो गया. देखो इतना उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, कॉपी कर लीजिए. चलिए अब हम लोगों का इंसुलिन से हम लोग पढ़ेंगे बस दो एबनॉर्मेलिटी जो हम लोग बुक में है भी. एक हम लोग पढ़ेंगे जो भी हम लोग जाने, डायबिटीज मिलिटस, और एक जानेंगे हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस. इंसिपिडस, अच्छा देखिए ये दोनों ही डायबिटीज में कंफ्यूज मत कीजिएगा. डायबिटीज मिलिटस जो है दरअसल याद रखेंगे की पॉइंट कि ये है शुगर डायबिटीज, इट आल्सो नोन एज शुगर डायबिटीज. क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि शुगर ज्यादा हो जाता है ब्लड डायबिटीज. तो ये किसकी वजह से होगा, याद रखेंगे कम लैक, कम हार्मोन बनेगा, डेफिशिएंसी लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से होगा. और समझना है, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस याद है क्लास 9 में हम लोग पढ़ा था यूरिन फॉर्मेशन, तो वहां हम लोग पढ़ते कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए एक हार्मोन बॉडी में बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो लोग पढ़े थे जब हार्मोन का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन का कमी होने की वजह से क्या होता है, किडनी जो है तेजी से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है और ज्यादा से ज्यादा हॉट, ज्यादा ज्यादा जो है यूरिन बन जाता है. उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज इंसिपिडस. मतलब जब बॉडी में नॉर्मली, याद रखना, जब बॉडी में ज्यादा ज्यादा यूरिन बनेगा, नॉर्मली 1.5 लीटर यूरिन बनना चाहिए 24 घंटे, लेकिन मान लीजिए चलिए 3 लीटर बन जा रहा है, 2.5 लीटर बन जा रहा है, ज्यादा ज्यादा बन जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस. क्लियर, इसीलिए इसमें यूरिन ज्यादा बन जा रहा है, इसको हम लोग वाटर डायबिटीज बोलते हैं, वाटर डायबिटीज. अब याद रहेगा डायबिटीज मिलिटस मतलब शुगर डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस मतलब वाटर डायबिटीज. और ये किस हार्मोन की कमी की वजह से होगा, दोनों कमी की वजह से हो रहा है, ये इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा है, और ये लैक या डेफिशिएंसी ऑफ ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, बताइए तो क्या, वैसोप्रेसिन. क्लियर, याद रहेगा, बस यही दो इंपॉर्टेंट फर्क है, दिमाग में रखना. इसके बाद हम लोगों को इसको तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ना है. देखिए इन केस ऑफ डायबिटीज मिलिटस, शुगर डायबिटीज में होता क्या है कि यूरिन के साथ शुगर जो है बॉडी से निकलता है, मतलब ब्लड बहुत ज्यादा शुगर हो जाता है. डायबिटीज मिलिटस की कंडीशन में, शुगर डायबिटीज में क्या होता है, यूरिन के साथ जो है वो शुगर निकलना शुरू होता है, इसी को बोलते हैं लोग ग्लाइकोसूरिया. क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया. याद रखेंगे ये ग्लाइकोसूरिया क्या है, इट इज अ कंडीशन, ये वो हालत है जिसमें क्या होता है, हमारे जिस्म से यूरिन के साथ ग्लूकोज या शुगर जो है निकलता है. मतलब दिस इज अ कंडीशन इन विच शुगर एंड और ग्लूकोज इज सिक्रेटेड अलोंग विद यूरिन. तो याद रखेंगे इसमें क्या होगा, यूरिन के साथ कौन बॉडी से बाहर निकलेगा, शुगर. याद रहेगा, तो ये हम क्यों बता रहे हैं, ये तो एक बीमारी है, चाहे समझ में आ गया. याद रखना द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डायबिटीज मिलिटस इज ग्लाइकोसूरिया. याद रहेगा, ठीक है, देखो ये हम लोगों का पंकरेटिक ग्लैंड क्या था वो समझे, इंसुलिन क्या है, ग्लूकागॉन समझ में आया. ग्लूकागॉन का काम क्या है, जो काम इंसुलिन का है उसका उल्टा काम ग्लूकागॉन है, ठीक है. लेकिन बुक पर से देखो इतना क्लियर हो गया हम लोग का पंकरेटिक ग्लैंड. इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट कर देंगे, जब क्लासेस शुरू होगा तो हम लोग सुनेंगे. अच्छा क्लियर है, तो पढ़ना लेकिन आज का आज क्वेश्चन कॉपी करके बुक को फॉलो जरूर करना, ठीक है.
पेरेंटिंग प्लान क्लियर हो गया, ठीक है, तो बुक से जरूर पढ़िएगा, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ लें, वो है हम लोगों का एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम एक और नाम से जानते हैं सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड। क्यों इसको सुप्रा बोलते हैं? क्या देखा, ये वर्ड सुप्रा है ना, ये सुपीरियर से आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऊपर, हाई। तो एक्चुअली अगर हम लोग एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन जब देखेंगे ना, तो देखेंगे वो किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? रीनल। जैसे लीवर को क्या बोलते हैं? हेपेटिक। लंग्स को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। इसी तरीका से किडनी को क्या बोलते हैं हम लोग? रीनल। तो ये रीनल के ऊपर पाया जाता है। ये एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कहाँ पाया जाता है? किडनी के ऊपर, मैंने रीनल के ऊपर। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब याद रखेंगे इस सुप्रा रीनल ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को जब हम सेक्शन करेंगे, तो देखो इसका डायग्राम तो कुछ ऐसा होता है ट्रायंगल के जैसा, है ना, जब इसको हम सेक्शन करेंगे, ठीक है ना, तो ये सेक्शन करने पे हमको नजर आता है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है, जिसका आउटर पार्ट को, आउटर पार्ट को हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर वाला पार्ट, आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? बाहर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, जो थोड़ा लाइट होगा। और अंदर वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा डार्क होगा, ठीक है, किसका? एड्रिनल ग्लैंड का। तो दो पार्ट हो गए, एक कॉर्टेक्स, एक दूसरा जो एकदम अंदर है और थोड़ा डार्क है, उसको बोलते हैं हम लोग मेडुला, ठीक है, MEDULLA, मेडुल्ला। यही वो पार्ट है, हम लोगों को पता है कि एड्रिनल ग्लैंड से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है, एड्रिनल से एड्रिनलिन। क्योंकि ये किडनी के ऊपर, एंड किडनी किससे मिलके बना होता है? नेफ्रॉन से, इसीलिए एड्रिनलिन को हम लोग एपी नेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन? क्योंकि ये एड्रिनलिन जो है, जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, वो बॉडी में हर वक्त सिक्रेट नहीं होता है, ठीक है। क्या बोला? एड्रिनलिन हार्मोन डज नॉट सिक्रेट ऑलवेज और फुल टाइम फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, बट इन सम स्पेसिफिक टाइम, कुछ खास वक्त में ही क्या होगा, वो बॉडी का एड्रिनल ग्लैंड से निकलेगा। कब? जब हम शदीद, मतलब एक्सट्रीम क्या होंगे, एंगर, गुस्सा आएगा हमको, या उदास हो जाएंगे, सैडनेस, ठीक है। इसीलिए तो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। इसके अलावा इसका एक और नाम है 3F, मतलब फेयर फाइट फ्लाइट, ठीक है। मतलब जब आदमी गुस्सा या डर या खौफ, एकदम नर्वस हो रहा है, उस वक्त यही हार्मोन निकलता है, ठीक है। एग्जाम जा रहे हैं, फाइनल एग्जाम देने के लिए, थोड़ा सा क्या होता है, नर्वस होता है, पता नहीं क्या होगा, मैथ्स एग्जाम है, थोड़ा सा घबराहट होता है, ये क्या होता है, यही एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, बॉडी का इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करता है, एड्रेनलिन हार्मोन खारिज होता है या सिक्रीट होता है, क्लियर। तो हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रेनलिन हार्मोन या एड्रेनलिन हार्मोन का साइट ऑफ सिक्रीशन क्या है, तो याद रखेंगे इट सिक्रीट्स फ्रॉम मेडुला ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। तो इसी मेडुला से हम लोगों का कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन को क्या बोलते हैं लोग? इमरजेंसी हार्मोन या फेयर फाइट फ्लाइट हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? अच्छा, सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड क्यों बोलते, समझ में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली याद रखेंगे कि मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलता है लोगों का? एड्रिनलिन, ठीक है। इतना बार समझ में आ गया साइट ऑफ सिक्रीशन। अगर हमसे पूछे कि ये एड्रिनलिन हार्मोन जो है कहाँ से निकलता है, तो याद रखेंगे कौन सा पार्ट से निकलेगा, ये मेडुला पार्ट से निकलेगा, किसका? एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड दो हिस्सा है, कॉर्टेक्स और मेडुला। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एड्रेनलिन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बॉडी में हर वक्त सिक्रेट नहीं होता, हर वक्त खारिज नहीं होता, बल्कि हमारे
जिसमें कुछ खास वक्त में पैदा होता है ताकि हमारे जिसम के कुछ खास एहसास या इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो आइए एडलिन हार्मोन का काम एग्जाम्पल कर पूछ लेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सबसे पहला कि एडलिन हार्मोन क्या करेगा, हेल्प्स, ठीक है, हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग द इमोशंस लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगरनेस एटसेट्रा। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, ठीक है, ऑफ द बॉडी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्या करता है, इट इंक्रीजेस हार्ट बीट, ठीक है, दिल का जो है धड़कन को तेज कर देता है। जाहिर सी बात है गुस्सा आता है या घबराहट आता है दिल का धड़कन क्या होता है, तेज हो जाता है इसी हार्मोन की वजह से। चौथा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है कि इट कंट्रोल्स BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब क्या होता है, देखो 9 में पढ़े हैं लोग, बेसल का मतलब ही क्या होता है, बेसिक मेटाबॉलिक द फंक्शंस ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल जितना भी फंक्शन करता है डेली लाइफ में उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे हम लोगों का सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस, जितना भी है एक्सक्रीशन, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक है। तो बेसिक मेटाबॉलिक के लिए जैसे अभी हम लोग मान के चलिए अभी जो हम लोग रोजा रहते हैं 14-15 घंटा हम लोग क्या है भूखे रहेंगे, तो उस पर क्या होगा, बॉडी में इतना एनर्जी जरूर पैदा होगा कि हम लोग अपना बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके, अदरवाइज क्या होगा, सांस नहीं ले पाएंगे तो मर ना जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। बॉडी में क्या होता है, बेसिक फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता ही है, तो उस रेट ऑफ एनर्जी को ही क्या बोलते हैं BMR। तो मेरा ये एडलिन क्या करता है, मेरा ये BMR को बढ़ा देता है। जाहिर सी बात है किसी लड़ने जाओगे तो काफी जरूरत पड़ेगा ना, तो वही बोल रहा है कि BMR को बढ़ा देता है। ये इंपॉर्टेंट काम है, इतना कब समझ में आया, देखिए ये। अच्छा देखिए एक बात हम बोल दें खाली 2 मिनट में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई एड्रेनालिन हार्मोन इज कॉल्ड एन इमरजेंसी हार्मोन, क्यों इसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, एक मिनट में ध्यान से सुनो। एड्रेनालिन हार्मोन डज नॉट सिक्रीट इन आवर बॉडी ऑल द टाइम बट इन अ स्पेसिफिक टाइम लाइक वी एक्सपीरियंस सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगरनेस और नर्वसनेस। ठीक है ना, कहां से होगा, फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। तो देखो उर्दू वाले भी सुनो फिर इंग्लिश वाले को बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कि क्यों बोलते हैं, तो याद रखेंगे लिखेंगे हम लोग के हमारे जिस्म में एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से हर वक्त खारिज नहीं होता बल्कि कुछ खास वक्त में खारिज होता है,